Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and my dear viewers, the prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer पे हमारी बात चल रही है. हमारे पास आज करेक्टर है The Parson. Chaucer ने इस किताब में बेसिकली दो मूड्स को टच किया है इंसानी जिंदगी के. एक है अच्छा और एक है बुरा. बुरे मूड को जो उसने शुरू किया था द वाइफ ऑफ बाथ के करेक्टर पे, उसको टॉप पे ला के, पीक पे ला के उसने इसका मूड अब बुक का चेंज कर दिया है. ईवल को स्टडी करते करते अब वो पॉजिटिविटी यानी जो अच्छाई है, अच्छापन है, उसका मुतालिया स्टार्ट करता है. और इस करेक्टर से, द पार्सन से, ये वन ऑफ द सिंबल ऑफ अ वर्च्यू, एक नेकी की लामत करेक्टर है ये वाला. चौसर कहता है कि अ गुड मैन वॉज देयर ऑफ रिलीजन. हमारे दरमियान एक ऐसा आदमी भी था जो मजहब से ताल्लुक रखने वाला था, सच्चा मजहब से ताल्लुक रखने वाला था. एंड वॉज ऑफ पुअर पार्सन, उसका नाम पुअर पार्सन था, ऑफ अ टाउन, कस्बे का, छोटे से का रहने वाला था. बट रिच ही वॉज, लेकिन वो बड़ा अमीर था और बुलंद दर्जा रखने वाला था. ऑफ होली थॉट्स, मुकद्दस इर्शादात और ख्यालात रखने वाला था, खुदा के इर्शादात और फरमुदात को मानने और अमल करने वाला था. एंड वीक, सॉरी, टाउन थॉट, होली थॉट्स एंड वर्क, वर्क मीन एक्शंस. अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. अलामा इकबाल का ये शेर साबित करती है यही चीज़ के वो एक अच्छा करेक्टर था अपने ख्यालात में भी, नीयत में भी और काम में भी. ही वॉज ऑल्सो अ लर्न मैन, पढ़ा लिखा आदमी था, लर्न मैन, इलम वाला आदमी था, अ क्लर्क, स्कॉलर था, मुफक्कर था. दैट क्रिस्टिस गॉस्पल्स, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के इर्शादात, क्रिस्टिस गॉस्पल्स, ट्रूली वुड प्रीच, वो सच्चाई के साथ टीच करता था, सिखाता था. हिज पैरिशनर्स, अपने नमाजियों को डिवोटेडली, खुद को वक्फ करके, वुड टीच, वो सीखता भी था, वो अपने नबी के फरमान और सिखाता भी था. अच्छा, सेंजन ही वॉज, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद निसार था, अपना कमाता था, अपना खाता था. एंड ही वॉज एन वंडर डिलीजेंट, वंडरफुली डिलीजेंट, यानी हैरत अंगेज हद तक वो मेहनती भी था, मेहनत करने वाला था. एंड इन एडवर्सिटी फुल पेशेंट, एडवर्सिटी, गुर्बत, तकलीफ, मुसीबत, गम, परेशानी में फुल पेशेंट, मुकम्मल सब्र करता था. दैट्स ग्रेट, वाह वाह, क्या बात है, ये हुई ना बात. इसे कहते हैं करैक्टर, यानी गुर्बत परेशानी में सब्र करता था, क्या बात है. एंड स्विच ही वॉज, ही प्रूव्ड ऑफन स्टिची, ऑफन स्टिची, अक्सर व बेशतर उसने ये प्रूव्ड, साबित किया था. ये प्रूव्ड के वो तकलीफ में सबर का दामन थामने वाला है, और बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है. ठीक है. फुल लॉथ वर हिम टू करसन फॉर हिज टीथी, जो जुकात, टीथी, जुकात, करसन, बुरा भला कहना. हिम, ये पार्सन, फुल लॉथ, नफरत करता था, जो खिरात नहीं देते थे उससे नफरत करता था, नापसंद करता था. बट रादर वुड ही हीवन, बल्कि वो खुद तो देता था, हीवन खुद देता था, आउट ऑफ डाउट, बगैर किसी शुबे के खैरात की अहमियत को, ज़कात की अहमियत को समझते हुए वो खुद उसको पे करता था. ऑन टू हिज पुअर प्रिशनर्स अबाउट, पुअर प्रिशनर्स, अपने गरीब नमाजियों के हवाले से भी खैरात, उनकी खैरात निकालने में भी वो उनकी मदद करता था. अच्छा, गुड यार, दैट्स ग्रेट, वाह वाह वाह, क्या बात है. खुशबू आती है ऐसे लोगों से, तावीज़ नुमा लोग होते हैं ऐसे, जिनके पास बैठने से खुशबू आती है, क्या बात है. फरिश्ते हैं ज़मीन पर ऐसे लोग. बट रादर वुड ही इवन आउट ऑफ डाउट ऑन टू हिज पुअर, नमाजियों के बारे में, अबाउट ऑफ हिज ऑफरिंग, और उन नमाजियों को जो नमाज नहीं पढ़ते थे. एंड ईक ऑफ हिज सब्सटेंस, ईक यानी जो भी होता था सब्सटेंस, जूस खाने पीने के लिए खुद अपने पास, वो अपने नमाजियों के साथ शेयर कर लेता था, मिल के खाता था. दैट्स ग्रेट, वाह वाह वाह. ही कुड इन लिटल थिंग हैव सफिशियंस, सफिशियंस सेटिस्फाइड, लिटल थिंग मीन थोड़ा सा जो उसके पास था. क्या बात है, क्या आला मिसाल है कनात पसंदी की, कि जो उसके पास था, ही वॉज ग्रेटली थैंकफुल टू गॉड, के अल्लाह तुमने मुझे यही दिया, तेरा यही कमाल है, मेरे लिए यही बड़ा है, कभी ना खत्म होने वाला है. खूबसूरत, वाह वाह. वाइट वॉज हिज पैरिशी, उसके नमाजियों का हल्का वसीह था वाइट. एंड हाउसेज फार असंडर, दूर दराज घरों में भी वो चला जाता था. बट ही ने लेट नेट फॉर रेन और थंडर, अपने नमाजियों की मदद के लिए बादल गरज रहे होते या बारिश हो रही होती तो वो उन तक जरूर पहुंचता उनकी मदद करने के लिए. दैट्स ग्रेट, वाह वाह.
इन सिकनेस नॉट इन मिसचीफ, ना शरारती अंदाज में, और सिकनेस अगर उसका कोई मरीज बीमार होता, नमाजी बीमार होता, तो उसकी बीमारी का पता लेने के लिए पहुंचता, चाहे बारिश हो रही होती चाहे बादल गरज रहे होते। नॉट इन मिसचीव टू विजिट द फारथेस्ट इन हिज पैरिशी, पैरिशी अपनी तबलीग के दूर दराज के फारथेस्ट इलाकों तक भी वो जो था वो जाता था। मच एंड लिटल, कभी कभार अपॉन हिज फीट, पैदल चल के। वाह वाह वाह, खूबसूरत खूबसूरत, यानी पैदल चल के अपने नमाजियों के उस हल्के तक जाता था जहां तक दूर दूर तक उसके नमाजी थे, तो उनकी मदद के लिए वो वहां पहुंचता था। क्या बात है, और पैदल चल के जाता था, खूबसूरत, एक्सीलेंट। एंड टू विजिट द फारथेस्ट इन हिज पैरिश, मचल एंड लाइट अपॉन हिज फीट एंड इन हिज हैंड अ स्टफ, और हाथ में एक डंडा होता चलते हुए उसके, जब वो चल के जा रहा होता। एंड दिस नोबल एग्जाम्पल टू हिज शीप ही गेव, शीप यहाँ भेड़ों को कहते हैं, लेकिन यहाँ उसकी मुराद है नमाजियों को, वो अपनी ही मिसाल देता, कनात पसंदी की अपनी मिसाल देता, अपनी सादगी की मिसाल देता, और अपने अच्छे होने का नमूना पेश करता। दैट फर्स्ट ही रॉफ्ट, रॉफ्ट मीन पहले वो खुद करता, रॉफ्ट मीन करना, एंड आफ्टरवर्ड ही टॉट, और उसके बाद वो सिखाता, यानी पहले वो सबर, कनात पसंदी, मेहमान नवाजी, ये जो डायमंड्स ऑफ ह्यूमन करेक्टर्स हैं इनको पहले अडॉप्ट करके दिखाता, यानी पहले झूठ बोलना बंद करता फिर सच की तबलीग शुरू करता, खुद को साबित करता कि उसने छोड़ दिया। वाह वाह, आउट ऑफ द गॉस्पल, आउट ऑफ द गॉस्पल मीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब बाइबल में से वो लेता, गॉस्पल इरशादात में से वो बातें लेता, द वर्ड्स कॉट वो वहां से लेता पकड़ता, एंड दिस फिगर ही एडेड, ई द टू फिगर, और मिसाल के तौर पे अखलाकी सबक ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात से लेके लोगों को बताता अपनी शख्सियत में, पहले करता और फिर आगे लोगों को उसकी तबलीग करता। एंड दैट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल एन आयरन डू, और कहता, क्या खूबसूरत बात की है, मुहावरा है कि अगर सोने को जंग लग सकता है तो लोहा किस बात की मूल्य है, यानी दैट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, अगर सोने को जंग लग सकता है तो लोहा उसके आगे क्या चीज़ है। ये मुहावरे से मुराद ये है कि अगर नमाजियों का रहनुमा जो है, नमाज पढ़ाने वाला उनका जो रहबर रहनुमा है, अगर वो सोना है मजहबी नुक्ता नज़र से, क्योंकि वो अल्लाह के इरशादात और अपने नबी के इरशादात और आसमानी किताबों के बारे में बहुत सा इलम रखता है, और अगर उसको जंग लग सकता है मसलन, यानी अगर उसको, अगर वो ख़राब हो सकता है, अगर वो ख़राब होगा तो उसके नमाजी क्या करेंगे, यानी लोहा जो है आगे वो क्या करेगा, उसको तो फिर धक्के से जंग लग जाएगा। अच्छा, फॉर इफ अ प्रीस्ट बी फाउल, इससे उसकी मुराद पिछली बात से उसको अगली लाइन में एक्सप्लेन कर रहा है, उससे उसकी मुराद अगर पादरी जो है, उलमा कराम जो है, एंड अ प्रीस्ट टेक कीप, सॉरी इफ अ प्रीस्ट बी फाउल, अगर एक पादरी ही गंदा होगा, ऑन होम वी ट्रस्ट, तो हम आम लोग किस पे भरोसा करेंगे। No wonder is a lewd man to rust, तो जो आम नमाजी है lewd, गंदा, गलीस, जो के लोहे की मानिंद है, उसके साथ क्या बनेगा, वो तो जल्दी मतलब बुराई की तरफ मायल हो जाएगा। अच्छा, and shame it is, और कहता है बड़ी शर्म की बात है, जो सो कहता है ये बड़ी शर्म की बात है, and a clean sheep, if a priest take keep, and shame it is, if a priest take keep, अगर एक गंदगी, एक मतलब आलम अपने पास रखता है, नमाज पढ़ाने वाला अगर गंदा होता है, तो उस पर शर्म वाली बात है। एशिटन शेफर्ड, अगर गडरिया ही, भेड़े चराने वाला ही गंदा होगा, एंड अ क्लीन शीप, तो कैसे हो सकता है कि उसकी भेड़े साफ होंगी, जब वो खुद ही गंदा होगा तो भेड़े भी तो गंदी होंगी ना। वो यानी आलम जो है, रहनुमा जो है, नमाज पढ़ाने वाला, वही सही नहीं होगा तो नमाजी कैसे ठीक होंगे। सोने को जंग लग सकता है तो लोहा क्या चीज़ है, ठीक है, सॉलिड बात। एंड वेल ऑट अ प्रीस्ट एग्जाम्पल फॉर टू गिव, तो दूसरे पादरियों को वो अपनी मिसाल दे के अपने आप को मिसाल के जरिए पेश करता, बाय हिज क्लीनिनेस, अपनी सफाई के जरिए, सफाई नहीं सफेमान है, क्या खूबसूरत करेक्टर है। एंड हाउ दैट हिज शीप शुड लिव, तो उनकी यानी भेड़े चलाने वाले की भेड़े कैसे साफ रहेंगे जब उसका भेड़े चलाने वाला साफ। He said that his beneficy to hire, यानी वो किसी यानी मतलब he
सैड नेट इज बेनिफिसी टू हायर, मतलब अपनी साबत कदमी उसकी जो थी वो बड़ी स्ट्रांग थी, अपने अंदर एक साबत कदमी का उनसर भी वो रखता था। अच्छा, बेनिफिसी साबत कदमी। एंड लेट हिज शीप इनकम्बर्ड, इनकम्बर्ड मीन उलझने देना, दलदल में फंस जाना, मायर का वर्ड आगे उसने लास्ट में यूज किया है, मायर दलदल को कहते हैं, इनकम्बर्ड कहते हैं फंस जाना, उलझ जाना, शीप भेड़ों का। एंड लेट, और ये जो पार्सन था, लेट नॉट हिज शीप्स, अपने नमाजियों को इनकम्बर्ड, उलझने फंसने मुसीबत की तरफ जाने से पहले ही रोक लेता था, यानी मुसीबतों परेशानियों के दलदल में जाने से पहले ही रोक लेता था। एंड रैन टू लंदन, और लंदन नहीं भागता था जहां पे ये लोग सब हाजी जायरीन जा रहे थे। ऑन टू सेंट पॉल, सेंट पॉल के मकबरे पर, जजीरे पर जिसकी पूजा के लिए सब जा रहे थे, टू सीकन हिम, और तलाश करने के लिए अपने लिए चैंट्री फॉर सोल्स, अपनी रूहों के लिए सुकून तलाश करने के लिए ये वहाँ नहीं जाता था, बल्कि अपनी नेकियाँ, अपने लोगों के हुकूक़ुल इबाद और उनकी जिम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ पूरे करके अपने आप को एक अच्छा करेक्टर साबित करने की कोशिश कर रहा था। वाह जी वाह। और विद अ ब्रदरहुड टू बिन विदहोल्ड, विदहोल्ड मीन मानने वाला, रखने वाला, पकड़ने वाला, यानी ब्रदरहुड भाईचारे का वो कायल था। बट डवेल्ट एट होम एंड केप्ट वेल हिज फोल्ड, डवेल्ट एट होम, वो अपने ही घर में रहता था, कोई हज वगैरह का प्रोग्राम नहीं रखता था, वो समझता था इससे ज़रूरी इंसानों के का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ने इंसानों को इंसानों के लिए पैदा किया है, तो अल्लाह के पैदा किए हुए इंसानों को इंसान अगर खुश रखे तो फिर अल्लाह जो है वो हर तरह की खुशी देता है, फिर हज की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर तो इस्तात हो तो ज़रूर करनी चाहिए। एंड कैप्ट वेल हिज फोल्ड, फोल्ड मीन अपने नमाजियों को वो कायम रखता, उनके पास रहता। सो दैट द वुल्फ ने मेड इट नेट मिसकैरी, मिसकैरी गलती से ले जाना, वुल्फ मीन भेड़िया, कहीं ऐसा ना हो, वो खुद निगरानी करता था अपने नमाजियों की ताकि कहीं कोई भेड़िया उनको मिसकैरी ना कर ले, यानी गलती से ले ना जाए। ही वॉज अ शेफर्ड, ये हमारा आज का करेक्टर द पार्सन, एक शेफर्ड था, भेड़े चलाने वाला था। एंड नॉट अ मर्सनरीज, कारोबारी आदमी नहीं था, कारोबारी आदमी की लाइफ के स्टाइल, स्टैंडर्ड, स्टेटस और होते हैं। ये था शेफर्ड, गुड मैन, तो गुड मैन की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये अखलाकियात से भरा हुआ होता है, जैसे हमने देखा भाईचारा, इसका कनात पसंदी और बहुत सी चीज़ें। एंड दो ही होली वर एंड वर्चुअस, होली बड़ा मुकद्दस मुकाम रखने वाला करेक्टर था, वर्चुअस नेकोकार था। ही वॉज टू सिनफुल मैन नेट डिस्पीचुअस, डिस्पीचुअस नफरत करना, यानी अगर किसी गुनाहगार आदमी से मुलाकात होती थी तो वो उससे नफरत नहीं करता था, बल्कि क्या करता था, ने ऑफ हिज स्पीच, बल्कि अपनी तकरीर, बात, अल्फाज के साथ डेंजरियस, ने डिग्निटी, डेंजरस, यानी अपनी गुफ्तगू में डेंजरस नहीं थी। पार्सन अपनी गुफ्तगू में जो अगर किसी गुनाहगार आदमी से मिलता था तो उसको लान मलामत नहीं करता था, ने डिग्नी, डिग्नी यानी डिग्निटी, शान से घटिया गुफ्तगू नहीं वो करता था। बट इन हिज टीचिंग डिस्क्रीट, अपने तबलीग देने में, लोगों की सलाह करने में वो बड़ा बैलेंस था, तवाजुन के साथ चलता था। एंड बिनिजेंस, बिनिजेंस बड़े मेहरबान अंदाज के साथ अपने नमाजियों को कायल करता और उनके जो था वक़्त गुजार। टू ड्रॉन फोक, लोगों को खींचने के लिए, टू हैवन जन्नत की तरफ, बाय फेयरनेस, फेयरनेस नेकी, अच्छाई, भलाई के तरीके से वो लोगों को जन्नत की तरफ खींचता था, यानी अमलों के साथ वो लोगों को खींचता था। अच्छा, बाय गुड एग्जांपल, बाय गुड एग्जांपल, अपनी अच्छी मिसाल खुद वो पेश करता। दिस वॉज हिज बिजनेस, ये था उसका मामूल, बिजनेस के लोगों को नेक करना, नेकी के रास्ते पे रखना और दुनिया में रहते हुए अपने खालक और मालक के साथ रबते में रखना। वाह, बहुत आला काम है जी। बट इट वर एनी पर्सन ऑब्स्टिनेट, अगर किसी जिद्दी आदमी से मिलता, वट सो ही वर, वो चाहे कोई भी होता, ऑफ हाई, ऊंचे तबके का, और लो स्टेट या लो स्टैंडर्ड का, माशरे के तीनों कैटेगरी से जब वो मिलता, तो हिम वुड ही स्नोबल, उसको बुरा वाला कहता, स्नोबल शार्पली फॉर द नियॉन्स, नियॉन्स कई मौकों पर उसको बुरा वाला कहता कि यार नमाज पढ़ा करो, अच्छा काम किया करो, अमल किया करो वगैरह वगैरह। अच्छा, अ बेटर प्रीस्ट आई थ्रू, बेटर प्रीस्ट इससे बेहतर पादरी, चौसर कहता मैं सच बोलता हूँ कि इससे जो बेहतर पादरी है वो और कोई नहीं था मैंने अपनी लाइफ में देखा। एंड दैट नोवेयर नून, यस, कहीं नहीं देखा। ही वेटेड आफ्टर, नो पंप और रेवरेंस, ही वेटेड आफ्टर,
वेटेड आफ्टर मी, पीछा करना, ख्वाहिश रखना, तलब रखना, उसको तलब नहीं थी किस चीज की, नो पंप, ना ही झूठी शान शौकत की, और रेवरेंस, ना ही झूठे इज्जत और एहतराम की. ने मेकड हिम अ स्पाइस्ड कॉन्शियस, और ना ही स्पाइस्ड कॉन्शियस मीन उसके जमीर पे चुभन नहीं थी, कांटा नहीं चुभता था, वो बड़ा नेक था. अच्छा, ने मेकड हिम अ स्पाइस्ड कॉन्शियस, यानी दिखावे का इज्जत दिखावा उसमें बिल्कुल नहीं था. बट क्राइस्ट लोअर, लेकिन क्रीस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानियां और इरशादात और बातें, एंड हिज अपोस्टल्स 12, और हजरत ईसा के 12 फरमान और इरशादात जो थे, ही टॉट, वो सिखाता था, एंड फर्स्ट ही फॉलोड, पहले उस पर खुद अमल करता था, हिम बाय सेल्फ, पहले अपने सेल्फ पे उस हकीकत को अप्लाई करता था, उसका एक्सपीरियंस करता था, उसका निचोड़ निकालता था, और फिर अपने नमाजियों से उसको शेयर करता था. सब्सक्राइब माई चैनल्स माई डियर स्टूडेंट्स फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन विद बेल आइकॉन, एंड आई होप इफ यू आर एंजॉइंग एंड इफ यू आर गेटिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई वीडियोज, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर डिमांड्स अबाउट anything like related to educational point of view, as we are studying Inter English Part 1 and Part 2 BSc English, BA English and BCom English, IELTS Spoken and MA English as well. Thank you very much. Allah Hafiz.